हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम सॉइल मिसलिनियस को कवर करेंगे। देखिए, कुछ टाइप के सॉइल्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ द एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उनकी वेदरिंग से जो है हमारा रेड सॉइल बनता है। आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं वो कितने इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो जो मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक होता है उसकी वेदरिंग से रेड सॉइल बनता है। ठीक है, द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन द सॉइल। तो देखिए, आयरन ऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो सॉइल का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल एंड इज ऑब्वियसली मोर लीच देन द लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल से ज़्यादा लीचिंग होती है इनकी। ठीक है, द रेड सॉइल कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड इन इंडिया। ठीक है, कितना होता है, 6.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है कवरेज होता है इनका। रेड सॉइल सॉइल आर पुअर इन फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट। ठीक है, तो रेड सॉइल किस किस में पुअर होते हैं, ये पुअर होते हैं आपके फॉस्फोरस में, ठीक है, नाइट्रोजन में और लाइम कंटेंट में। ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट जो होते हैं उसमें जो है ये पुअर होते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ MP। ठीक है, तो मोस्टली जो है ये साउदर्न स्टेट में मिलते हैं और सेंट्रल में जैसे MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा है, तेलंगाना है, छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड का एरिया, तो यहाँ पे जो है ये सॉइल्स मिल जाते हैं। तो आपको कहाँ पे, साउदर्न स्टेट में कहाँ कहाँ मिलते हैं, साउदर्न में आपका मिल जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, साउथ कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ MP। ठीक है, इसके बाद हम देखें सेंट्रल पार्ट, देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, MP, ये जो है एरियाज में आपका रेड सॉइल मिलेगा। ठीक है, सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू अ वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो हमने देखा था कि आयरन जो है इसमें जो है सफिशियंटली आयरन ज़्यादा मिलता है ना, सफिशियंट अमाउंट में मिलता है, तो आयरन जो है इसकी वजह से रेड कलर मिल जाता है और ये डिफ्यूज हो जाता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में। इट लुक्स येलो इन व्हेन इट इज इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है इट लुक्स येलो, ये येलो कलर का दिखने लगता है अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो कलर का दिखता है। तो अब इसका हम जो है देखिए, यहाँ पे सारे सॉइल्स हैं और इसको थोड़ा सा मैं, हाँ अब देख लीजिए आप, तो इसमें देखिए जो सॉइल्स हैं कहाँ कहाँ पे कौन से सॉइल मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ माउंटेन सॉइल देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे माउंटेन, तो आपको पता है कि माउंटेनियस जो रीजन है वहीं पे माउंटेन सॉइल मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे माउंटेन आपका है वहाँ पे माउंटेनियस सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न रीजन में भी हमने कवर किया था ना, एलुवियल सॉइल जो है नॉर्दर्न रीजन में मिलता है। ठीक है, फिर रेड सॉइल है आपका। ठीक है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो रेड सॉइल, ये रेड सॉइल की लाइंस है। ठीक है, मोस्टली जो है हमारा साउदर्न स्टेट में देखिए रेड सॉइल्स हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, विदर्भा। ठीक है, विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र और आप देख लीजिए गुजरात में भी। ठीक है, तो ये हमारे ब्लैक सॉइल है। लेटराइट जो बिल्कुल ब्लैक है, तो अभी हमने लेटराइट देखा था, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। ठीक है, सैंडी सॉइल, तो अभी हमने डेजर्ट नहीं कवर किया, तो डेजर्ट में सैंडी सॉइल मिलेगा आपका। ठीक है, डेजर्ट वाला सैंडी सॉइल है, एलुवियल नॉर्दर्न रीजन में, तो ये हो गया। अब इसको, हाँ, तो देखिए डेजर्ट सॉइल, द डेजर्ट सॉइल कवर्स एन एरिया ऑफ नियर अबाउट 29 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, द रेनफॉल इन दीज एरियाज रेंजेस फ्रॉम द 50 सेंटीमीटर टू लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है यहाँ पे। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ठीक है, आपको पता है डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है जो इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है एवरेज टेम्परेचर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज सॉइल्स आर फॉर्म इन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलेगा। दे आर फाउंड इन राजस्थान है, सौराष्ट्र है, गुजरात में, कच्छ, ठीक है, साउथर्न पंजाब। दे कंटेन अ लो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो है ऑर्गेनिक मैटर और जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, लो अमाउंट में होता है। ठीक है, लो अमाउंट में। लेग्यूम क्रॉप्स इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंटेंट बाई एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, कौन सा प्लांट्स है, तो ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देते हैं। तो सोयाबीन्स हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है, और ल्यूबिन्स हो गया। ठीक है, फिर आपका पीनट्स है, पल्सेस हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारे हैं ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सारे प्लांट्स जो हैं, ठीक है। तो ये लेग्यूम क्रॉप्स इनरिच द सॉयल विद नाइट्रोजन कंटेंट बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सॉयल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में कौन सा सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, तो कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे पहले। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, ठीक है, झुंझुनू, पाली, सीकर, ठीक है, ये जो वेस्टर्न राजस्थान है हैव एल्केलाइन एंड सलाइन सॉइल्स, ठीक है। तो ये जो है एल्केलाइन और सलाइन सॉइल्स होते हैं, ठीक है, विद अ कैलकेरियस बेस, ठीक है, तो कैल्शियम का ज़्यादा उसमें होता है, तो कैलकेरियस बेस होता है इसका, एल्कलाइन और सेलाइन सॉइल्स होते हैं किसमें, वेस्टर्न राजस्थान में। देर इज सम नाइट्रेट कंसेंट्रेशन इन द सॉइल ऑफ दीज रीजंस, हेंस द सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कुछ जो है नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन मिल जाता है, बट अगर ये तो आपका ये जो है डेफिनेट होता है कि जो हमारे डेजर्ट सॉइल होते हैं, वेस्टर्न राजस्थान का जो सॉइल है उसमें कैल्शियम का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल, तो कौन सा क्रॉप कंटेंट जो है इनरिच करता है, तो देखिए पीज जो है, ठीक है, पीज। लेग्यूम क्रॉप्स इनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन कंटेंट बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट दैट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड, अब देखिए कौन कौन सा अभी हमने जस्ट देखा था, ठीक है, ये जो आपके सारे प्लांट्स जो हमने भी देखे थे वही सारे प्लांट्स हैं, और ये जो हमारे क्या करते हैं कुछ प्लांट्स जैसे लेग्यूम्स के, लेग्यूम्स जितने भी होते हैं वो सारे हमारे जो क्या करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन बाई इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, तो कौन सा क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, देखे ब्लैक ग्राम या उड़द, ठीक है, उड़द होता है ना ब्लैक ग्राम, उसको हम कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक ग्राम जो उड़द होता है इज ग्रोइंग फॉर इम्प्रूविंग द ग्रोन फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना। और कभी कभी इसको हम फॉर्डर के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्डर के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। व्हेन यू ट्रेवल इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर, ठीक है, तो वही सेम है क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल्स हैव came into existence due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. The red soil are short in lime, ठीक है, magnesium, phosphates, nitrogen, humus, but are fairly rich in potash, ठीक है। तो किस में कम जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, short किस में होता है, lime नहीं होता, ठीक है, अभी हमने देखा था कि desert soils में lime calcium ज़्यादा होता है, फिर magnesium नहीं होता, phosphorus नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, बट जो है इसमें पोटाश जो है काफ़ी जो है अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। दे आर केमिकल कॉम्पोजिशन, दे आर मेनली देखिए इसमें जो है सिलिकस का जो अमाउंट होता है, सिलिका का जो अमाउंट होता है, सिलिकोसिस होता है वो ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो होता है इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड दे आर मेनली सिलिकेसिस एंड एल्यूमिनस, ठीक है, तो ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें ज़्यादा होता है। द रीज़न फॉर द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड होता है फेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल इज, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो मैक्सिमम जो है क्या होता है डिफिशियंट होता है, ठीक है। द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल, अच्छा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे इंडियन सॉइल में डिफिशियंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा है जिंक। जिंक हम बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, जिंक इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज मैक्सिमम डिफिशियंट, मतलब सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जिंक ही होते हैं इंडियन सॉइल्स में, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन हमारा जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, कॉपर पता है कि मैग्नीज आयरन तो मिल जाता है लेकिन जिंक की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन है, हिमालयन सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, ठीक है, हिमालयन सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, रीजन क्या है, द हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अब देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा ए हमारा फॉल्स है और आर ट्रू है, ठीक है, क्यों ट्रू है आर, तो देखिए इसमें हिमालयन हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो हमारा है ह्यूमस रिच होता है ये सही नहीं है, हिमालयन सॉइल्स लैक ह्यूमस व्हाइल द हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, तो जो इसमें हिमालयन सॉइल्स होते हैं इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो करीवा सॉइल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरान,
ठीक है, जाफरान एक क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है सैफरॉन की, तो ये आपको पता है ये कश्मीर जो है हिमालय में मिलता है, ठीक है। तो करीबस वाइल इज फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड यूज फॉर द ग्रोइंग लोकल सैफरॉन कॉल्ड जैफरॉन, ठीक है। सॉयल वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स इज मैक्सिमम इन, ठीक है। सॉयल वाटर जो अवेलेबल होता है प्लांट्स में सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये क्ले सॉयल में होता है, हमने देखा था जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर कम उससे कम किस में होता है, सबसे कम सैंडी में होगा, सबसे ज़्यादा क्ले सॉयल में होगा। देखिए क्ले सॉयल has the highest water retention capacity, therefore soil water available to plants is maximum in it, ठीक है। clay soil has less than 50% silt, 50% clay and some amount of sand, ठीक है। the soil अच्छा ठीक है, this soil slows air ventilation, ठीक है ना, due to which it sustain water, ठीक है। तो water को sustain कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज लेस देन 0.002 mm डायमीटर, तो ये आपका क्ले है, सबसे कम जो है उसमें उसका डायमीटर होता है। देखिए ये जो हमारा है, द डायमीटर ऑफ द क्ले इज लेस देन 0.002 mm, सिल्ट हैज द डायमीटर ऑफ 0.002 to 0.06 mm एंड फाइन सैंड डायमीटर इज 0.06 to 2 mm, ठीक है। तो ये साइज है, और जितनी जिसकी कम पतली साइज होगी क्या होगा आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। कौन सा आप यही बता दीजिएगा कि कौन सा जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकता है उससे ज़्यादा, और सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख के किसी भी ऑर्डर में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एसिडिक एंड अल्कली सॉइल, ठीक है। तो देखिए एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल, दो तरीके के सॉइल्स होते हैं। तो देखिए एसिडिक सॉइल, द पीएच सॉइल ऑफ पीएच, द पीएच सॉइल पीएच इज मेजर्ड ऑफ द एसिडिटी ऑफ एल्कलिनिटी इन एनी सॉयल, ठीक है। तो देखिए किसी भी जो है पीएच लेवल क्या होता है, आपको पता होगा पीएच जो पीएच होता है 7, वो जो है अगर 7 से कम है, 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, अदरवाइज एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है, एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिटी और एल्कलाइनिटी जो सॉयल का होता है वो पीएच लेवल जो है वो मेजर करता है, ठीक है। बिलो 7 हो जाएगा एसिडिक और मोर देन 7 हो जाएगा एल्कलाइन, ठीक है। जनरली पी एच वैल्यू ऑफ द क्रॉप सॉइल इज 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 होता है। एसिडिक सॉइल इज इन सेडिमेंट्री इन नेचर, एसिडिक सॉइल इज इन सेडिमेंट्री इन नेचर, ठीक है। एसिडिक क्या होगा 7 से कम, और जो है आपका एल्कलाइन होगा 7 से ज़्यादा। तो जो सॉइल होता है एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर। दीज हैव मैक्सिमम लेटराइट, फेरस रेड एंड अदर रेड सॉइल ग्रुप, ठीक है। दीज आर formed by the humid climate and acidic material and geomorphology, ठीक है। these are formed by the humid climate, acidic material and geomorphology, due to the temperature, humid climate and heavy rainfall, rapid erosion occurs in the soil and increases the rate of the leaching of in bases, ठीक है। due to high temperature with heavy rainfall and leaching, acidic soil is formed, ठीक है। तो किसके किसके वजह से, हाई टेम्परेचर से और हैवी रेनफॉल से जो, और लीचिंग की वजह से एसिडिक सॉइल बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर्स कॉजिंग एसिडिटी इन द सॉइल आर लीचिंग, ठीक है। जो कौन से फैक्टर्स हैं जो जो है लीचिंग को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, फैक्टर्स जो है एसिडिटी इन सॉइल आर लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, किसकी वजह से, हेवी रेनफॉल, एसिडिक सब्सटेंसेस, एसिडिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स एंड सुटेबल सॉल्ट्स। फिर से देख लीजिए, फैक्टर्स कॉजिंग एसिडिटी इन द सॉइल, कौन कौन से फैक्टर्स जो एसिडिटी कॉज करते हैं, लीचिंग, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस, एसिडिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स और जो है सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं, जो जो है सॉइल में कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। अब एल्कली सॉइल, ठीक है ना। Generally the alkaline soil is found in India in dry and the wet जो wetlands होते हैं, ठीक है, wetland areas। तो इसमें जो है dry, ठीक है, and wetland areas में जो है ये alkaline soil मिलते हैं, ठीक है। They are formed due to the capillary action of the कौन कौन से cations होते हैं, MgNaCa, ठीक है ना। तो ये कैटाइंस जो होते हैं, कैटाइन और एनायन दो चीज़ होती है, कैटाइन मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एनायन मतलब नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इनके कैपिलरी एक्शन से, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से जो है क्या होते हैं, ये जो है फॉर्म होते हैं, विच इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये जो है सॉइल के सर्फेस पर डिपॉजिट होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साउथ पंजाब, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान। जिप्सम, ठीक है, इज यूज टू रिमूव सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अभी एग्जाम में आ जाएगा कि क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं किसी सॉइल की सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये आपका है जिप्सम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अ फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप इज़ लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू, फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप इज लाइकली टू हैव अ पीएच वैल्यू, क्या होती है इसको, 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 के बीच में होते भी हमने देखा था। सॉइल पीएच इज मेजर्ड ऑफ द एसिडिटी और एल्कलिनिटी इन द सॉइल, अ पीएच बिलो 7 इज एसिडिक एंड मोर देन 7 इज एल्कलाइन, सॉइल पीएच इज कंसिडर्ड अ मास्टर वेरिएबल इन द सॉइल एज इट कंट्रोल्स मेनी केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस, इट स्पेसिफिकली अफेक्ट्स द प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द केमिकल फॉर्म्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट एंड मोस्ट न्यूट्रिएंट दैट प्लांट नीड कैन डिसॉल्व इजिली, ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन रेंजेस फ्रॉम द 7 to 7.6 to 7.5, ठीक है। अब अगर सॉइल का जो हमारा सॉइल है उसका जो पीएच है वो 6 to 7.5 के बीच में रेंज करता है, तो जितने मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल, ठीक है, कौन सा है, तो ये हमारा है जिप्सम, ठीक है। एसिडिक सॉइल को हम अगर कल्टिवेबल बनाना चाहते हैं तो जिप्सम का यूज़ करते हैं। जनरली लाइम इज़ यूज टू मेक द एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल, इट इज़ नोटेबल दैट द एक्सटेंसिव, सॉरी ये लाइम नहीं, जिप्सम नहीं होगा, ये लाइम है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हमारे एसिडिक सॉइल की, ठीक है, तो मैंने जिप्सम गलत बोल दिया था। लाइम जो है वो जो है क्या करता है, वो हमारे सॉइल को, जो एसिडिक सॉइल होता है उनको कल्टिवेबल बनाता है, ठीक है, तो ये लाइम होगा। तो देखिए, लाइम इज़ यूज टू मेक द एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल, इट इज़ नोटेबल दैट द एक्सेसिव एल्कलाइन और एसिडिक सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर द सॉइल हेल्थ एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज किसकी वजह से होता है, यूज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड, ठीक है। सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के लिए अगर हम जिप्सम का यूज़ कर लेते हैं फील्ड में, तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट इज यूज टू रिमूव द सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, जो सलाइन सॉइल है, ठीक है, सलाइन सॉइल है और ओके, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं, हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज टू रिमूव द सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो रिक्वायर्स 1 feet वाटर फॉर सॉइल लीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द सॉइल सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इज यूज ऑफ, किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया, ठीक है, इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉइल मिलता है ये हमें बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, तो कहाँ पे है, सेंट्रल सॉइल इंस्टीट्यूट करनाल में है। मोस्ट सैलाइन सॉइल इन इंडिया इज फाउंड इन गुजरात, और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इज कैटेगराइज एज सैलाइन एंड एल्कलाइन एंड कोस्टल सैलाइन सॉइल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका ये है, गुजरात है, फिर यूपी है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब, ठीक है, तो ऐसे से दिया हुआ जो हमारे ऑप्शन में था, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, दूसरे नंबर पे यूपी है, ठीक है। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सैलाइन सॉइल इज फाउंड इन ए स्टेट ऑफ, यूपी, हरियाणा और गुजरात, तो गुजरात है ऑप्शन में, गुजरात आंसर होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलाइन सॉइल, ठीक है, तो हरियाणा में करनाल में जो है ये हमारा CSSRI है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूपी में है, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सब दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देख लीजिए सीरीज कैसे है। फिर इसके बाद सैलिनाइजेशन ऑगस्ट व्हेन द इरिगेशन वाटर अक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड सॉल्ट एंड मिनरल्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड। जैसे मान लीजिए पानी बहुत बिल्कुल फुल कर दिया हमने फील्ड में अपने, और वाटर अगर इवेपोरेट हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो जो है सॉल्ट्स वगैरह को, सॉल्ट्स को और मिनरल्स को ऊपर के सरफेस पे छोड़ के चला जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या होगा, इट मेक्स सॉइल इम्परमिएबल, ठीक है। तो क्योंकि वाटर का एक वाटर पैन उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना, तो सॉइल हमारा जो होता है वो इम्परमिएबल हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल सैलिनाइजेशन इज ऑफन अ प्रॉब्लम इन एरिड रीजन्स वेयर आयन ऑब्सॉल्युबल सॉल्ट बिल्ट
अप इन द सॉयल. दीज रीजंस वेयर इरीगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू ग्रो, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लीव्स द सॉयल बिहाइंड इन द लीव द सॉल्ट बिहाइंड इन द सॉयल. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ये बार बार इस चीज़ें होती हैं, तो जो हमारा सॉयल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सेलाइन हो जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज मोस्ट सुटेड फॉर द टी प्लांटेशन. ठीक है, कौन से एसिडिक सॉयल का यूज होता है टी प्लांटेशन में. ठीक है, टी इज ग्रोन इन अ वेराइटी ऑफ सॉयल, द बेस्ट हाउएवर इज सॉयल सॉयल स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, एंड विदाउट कैल्शियम एज टी इज हाईली इनटॉलरेंट टू स्टैगनेंट वाटर. ठीक है, अगर वाटर अगर रुक गया वहाँ पे तो फिर वो जो है जो ट्री टीज होते हैं उनका प्लांट जो है ख़राब हो जाता है. ठीक है, ऑल दो टी रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, स्टैगनेंट वाटर इज इंजूरियस टू इट्स रूट, इट इज़ देयर फॉर ग्रोन ऑन हिल स्लोप वेयर वाटर ड्रेन्स अवे इजली एंड वाटर लॉगिंग डज नॉट टेक प्लेस. ठीक है, हाउएवर इट ग्रोज इक्वली वेल इन द वैली इफ द ड्रेनेज सिस्टम इज गुड. तो देखिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, इनको पानी तो चाहिए लेकिन जो वाटर है वो स्टैगनेंट होना नहीं चाहिए. ठीक है, स्लोप हो, बारिश हो और पानी चला जाए, जितना सफिशियंट पानी चाहिए होता है वो रूट्स ले लेते हैं, लेकिन अगर वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जो प्लांट्स हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. अब नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.